डीप ब्रीथ, वो भी आराम से करें, उसमें भी कोई
स्ट्रेस ना हो, प्रेशर ना हो। जब हम सांस भर रहे तो मस्तिष्क से नस नाड़ियां भी ढीली हो, सुखपूर्वक गहरी लंबी सांस भरे सुखपूर्वक और खाली रखे। एक बार फिर हम के समान शरीर का ये सिंपल वाला कैमल पोस्चर, रिलैक्स। एक ही बार करेंगे, अब बैठ जाएं फिर से वज्रासन में, पेट के बल लेट जाएं ऑन स्टमक। पेट के बल लेटो, क्या क्या करना पड़ता है? अरे कुछ नहीं होना है, करो, अच्छा लगेगा करने के बाद। हाथ सीने के अगल बगल में, चेस्ट के अगल बगल में। क्या हुआ? लेटो लेटो जल्दी जल्दी, फास्ट। हाथ सीने के अगल बगल में, नो नो नॉइस प्लीज, कीप क्वाइट। हाथ सीने के अगल बगल में, चेस्ट के अगल बगल में, फॉरहेड जमीन के साथ। हाथ ऐसे रखे अकेली चेस्ट के नीचे, सांस बाहर, सांस पढ़ते उठा दीजिए गर्दन, कंधा, सीना, सर की फैन के समान। कोनी थोड़ी सी मुड़ी रहे, थोड़ी सी मुड़ी रहे, कमर के साथ लगी रहे, पीछे से पैर खुलने ना पाए, पीठ को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़े, बहुत बढ़िया। कोनी थोड़ी नीचे मुड़ी रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से भरे सांस, खूब भरे, खूब भरे, हमारे मन को सब बोले, हमें हमारे मन को सदैव संतुलित रखना है, सदैव संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया हुआ है, आत्मविकास समाया हुआ है। विश्व की एकता के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शांतता की वृद्धि करने के लिए, और शांतता की वृद्धि करने के लिए, विश्व के प्रति, समाज के प्रति, मेरे काम के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, और मेरे खुद के प्रति, जो कर्तव्य है, मैं उन्हें पूरा करने का निश्चय करता हूँ। ज्योतिर्गमय मृत्यो अमृतम गमय ओ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मावीदृशावहै ॐ शांति। हाथ सामने किया, इस
प्रकार आप कुर्सी बनाते हैं ना, कुर्सी पर बैठते हैं ना, आज अपने योग में खुद कुर्सी बनाएंगे और बैठ देंगे। वन, भरते हुए नीचे और सांस भरो, खाली करो। वन टू, बना कुर्सी, छोटी कुर्सी, खड़े हो जाएं, फिर बड़े कुर्सी बनाए और बैठ जाएं, खाली करे, सीधे हो जाएं, फिर बड़े करो सीधे, इसे बड़े कुर्सी, छोटी बनाओ, छोटी छोटी कुर्सी, छोटे बच्चों वाली, खाली करते सीधे, हाथ नीचे, रिलैक्स। ताड़ासन के लिए आपको दोनों हाथ सामने, उंगलियां इंटरलॉक, हथेली बाहर की ओर, सांस बाहर, खींचो हाथों को सामने, सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाएं और ऊपर उठाएं, एड़ी भी ऊपर उठा दें, ऑन योर टॉस, आंखें खुली, सामने की ओर देखते रहे, हंसना नहीं है नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। श्वास खाली करते हुए हाथ ऊपर रखो, सिर के ऊपर, तीन बार करेंगे ना हम, श्वास भरते हुए हथेली आकाश को लेते हुए उठाएं हाथ ऊपर, नमस्कार की मुद्रा, वन टू थ्री फोर, श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे, पैर नीचे, रिलैक्स। ये हो गया वृक्षासन, ट्री पोस्चर। आज हस्तासन यानी फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथों को पैरों के बीच में थोड़ा खोल कर रखो, पैरों को एक फुट का फासला बना ले, दोनों हाथ साइड से श्वास भरते ऊपर उठाएं, हथेली आकाश की ओर देते हुए, श्वास खाली करते हुए सामने से आते हुए नीचे की ओर झुके, आज आप घुटने सीधे रहे, घुटने सीधे, रुके रहने स्प्रिंग के समान कोई ना करे, अपने हाथ जैसे पेड़ पे लटका दिए ना वैसे अपने आप को लटका दिए पेड़ के ऊपर, शरीर को नीचे की ओर आने दें, वन टू थ्री फोर, श्वास भरते हुए सीधे, सांस खाली करते हुए फिर से सामने से आते हुए एक बार नीचे झुके, एक बार फिर से नीचे झुको, चलो फॉरवर्ड बेंडिंग करो, अब ढीला छोड़ दो शरीर को नीचे, घुटने सीधे रहेंगे, हथेली जमीन के साथ लगती है तो लगा दें, सामने देखो जो डेमो कर रहे हैं, गर्दन को अंदर की ओर मोड़ें और फॉरवर्ड आपका घुटनों के साथ लगाने की कोशिश करें, श्वास भरते हुए सीधे, बहुत बढ़िया बच्चों, हाथ ऊपर, खींचे हाथ को, लंबी श्वास भरे, खूब भरे श्वास, फेफड़े अच्छे से कार्य करेंगे, है ना, श्वास खाली करते हुए साइड से हाथों को नीचे की ओर ले आए, ये हो गई हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग, पाद हस्तासन, जगह बना लो मेरी, आगे सामने पैरों को सामने की ओर कर दे, आसन में आ जाए, वज्रासन, बटरफ्लाई के पोस्चर में आ जाए, पैर अंदर की ओर ले लें, जितने अंदर की ओर जा रहे हैं ले लें, हो गया, जितने होते हैं नो प्रॉब्लम, आप कर रहे हो बढ़िया, है ना, हाथों की उंगलियां इंटरलॉक कर लो, पैरों को नीचे रख दो, पीठ सीधी, नो टॉकिंग, डरना, पीठ सीधी और स्पाइन शुड बी रेस्ट, स्पाइन शुड बी रेस्ट, कोनी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, डीप ब्रीथ, इस आसन पीठ की अभी सीधी, स्पाइन शुड बी इरेक्ट, आईज क्लोज, डीप ब्रीथ,
आंखें बंद करके लंबी सांस भरो, खाली करो प्राणायाम, एल्बो स्ट्रेट। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। लंबी सांस भरो, आराम से भरे लेकिन लंबी भरे। अभी भी गैप नहीं है, गैप बन रहा है ना बेटा, पैरों को खोल। अब दोनों हाथों को साइड से सांस भर के ऊपर उठाएं, खींचे हाथों को ऊपर। अब इसमें फॉरवर्ड बर्निंग करिए, सांस खाली करते हुए सामने आते हुए नीचे उतर चुके, शरीर को और धड़ को आगे क्यों ले आए, एड़ी के साथ लगे रहे, हाथों को और खींचे, कंधों से लेके उंगलियों तक खिंचाव बना रहे और गर्दन को सीधी रखे, अंदर ना मोड़े, ठुड्डी जमीन के साथ, डीप ब्रीथ। गर्दन को आगे क्यों ले आओ बच्चों, सब लोग गर्दन को आगे क्यों ले आए, काफी लोगों की गर्दन अंदर मुड़ी हुई है, सीधे रखो, सीधी गर्दन, स्ट्रेट, टच द फ्लोर, हाथों को खींचो सामने, हिप्स पीछे रहे, उसके हिप्स उठ गए, हिप्स पीछे, हाँ, अब हाथ खींचो बेटा, बहुत बढ़िया कर रही हो, हाँ, अब खींचो, और हाथ खींचो सामने की ओर, और डीप ब्रीथ करो, रखती उत्तम आसन, मेमोरी को शार्प करना है ना सबको, अच्छे से पढ़ाई करनी है, दोनों कंधे एक ही लाइन में आने हैं, दोनों कंधे एक ही लाइन में, आप खड़े में बैठ के बाहर से निकलो बच्चों, बाहर से निकलो यार, हाँ बाहर से निकालो, गुड, हाथ कैसे, वो वाले हाथ की उंगलियां बाहर की ओर पॉइंटेड, हाँ, पीछे देखो अपने हाथ की ओर देखो, गर्दन को घुमाओ, कंधा और पीछे ले लो, डीप ब्रीथ जारी रहे, घुटना गिर रहा है काफी लोगों का, घुटना सीधा, स्ट्रेट, उसका बाहर की ओर गिरने नहीं देना, खाली कर दे सांस, रिलैक्स। हमारा अंगूठा कानों के ऊपर रहेगा, ठीक है? अब पहली दो वैसे करना है हमको, सिर्फ ये मुद्राएं बना करके कान बंद करेंगे, ये जो पहली दो उंगलियां है ना उसको आंखों के ऊपर रखेंगे, बाकी दो बच गई ना उसको होठों के मुंह के आसपास रखते, ठीक है? अंगूठा यहाँ, दो उंगलियां आंखों के ऊपर, नाक को बंद नहीं करना बच्चों, होठों को बंद कर दें, दो उंगलियां उसके अगल बगल में रख दें। अब इसी को वापस हम रिपीट करेंगे, पहले श्वास खाली करें, कान बंद हो गए ना सबके, बड़े श्वास, और एक ही बार फिर से गुंजन करें, भावने की गुंजन, एक बार फिर से करो, चलो बड़ा श्वास, खूब भरे, खूब भरे, गुंजन, हाथ हटा दे, आंखें बारे, मन को lessons.
of yoga today. You are all happy to do these exercises? Yes! And you have taken a vow to do it every day, right? Yes. So please follow it. And I would now request, see, we have been helped by Yoga World, run by Sunilji Seksaria and his team, in this hall as well as Bajaj Hall, for all you students to celebrate this international first International Yoga Day. I thank all the teachers who have helped us in organizing this program, all the principals, heads of the institutions, and last but not the least, the Yoga World team, entire team with Sunilji Seksaria, Lata Madam, Sheetal Madam, and all the volunteers who have come here. They have been great help. With their help only, we could successfully do this yoga program. So now I would request our KGES principal, Mini Nair, to present a flower bouquet to Madam Lata as a token of appreciation to the entire team. To the entire team of Yoga World, with all the volunteers. Honor our principal Suchitra Parekh. Let me complete. She has taken a lot of pains, when I directed about 15-20 days back, she immediately took the responsibility. And she has been directing and doing all the work of organizing today's event. We are very much thankful for all the efforts made by her. Of course, she has the entire team of both Principal Lata Venkat and Principal Mini Nair also with her. As a token of our appreciation on behalf of the management of Rajasthani Sammelan and all of you, and all the children who participated, I would request our Joint Secretary Shri Lalit Ji to felicitate Shri Chandra Pai. श्वास भरते हुए उसी की ओर बैठे दोबारा
कितने के लेवल तक बैठे हैं? 1, 2, 3, 4 श्वास भरते हुए सीधे हो जाए तो जंगा के पास में ले जाए, यानी रेकम के पास ले जाए। दोनों हाथ के पंजों को इंटरलॉक कीजिए, पैर के नीचे रखे और शरीर को खींची ऊपर की ओर। इसको अंग्रेजी में ड्रिल पोजीशन कहा गया है। आपने ड्रिल मशीन देखी होगी जो होल करती है और एकदम उसकी जो पिन होती है स्ट्रेट होती है, इसी प्रकार से मेरुदंड को स्ट्रेट कीजिए, खींची ऊपर की ओर, श्वासोश्वास चलती रहेगी। जैसे मूलाधार चक्र में अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसमें आप 7 बार लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए, लेकिन पीठ को ऊपर की ओर खींच के रखिए, पैर नहीं हिलाना है, पैर को नीचे की ओर दबा के रखिए, उतना नीचे की ओर दबा के रखिए। रक्त का संचार, रक्त का सर्कुलेशन डायरेक्ट होता है और उसके विकार अगर डायबिटीज, पैंक्रियास, इसके बाद में आपका गॉल ब्लैडर, पित्त की तकलीफ, श्वास की तकलीफ, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो इसको आप कर सकते हैं। श्वास खाली करते हुए बाएं हाथ को घुटने के बाहर निकालें और पैर के एंकल जॉइंट को पकड़ लें, सामने को देखते रहे, श्वासोश्वास चलती रहेगी। बार पैर हाथ को बाहर निकालिए, घुटने के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धीरे से श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं, सीने के साथ लग जाए श्वास को, धीरे होकर रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 श्वास खाली करते हुए कमर को नीचे ले आए, उसी पोजीशन में पड़े रहे, स्ट्रोक पेट के द्वारा कपालभाति की क्रिया करें, इससे हम लोग खुद ही खड़े करते हैं। अभी सिस्टम को लाइए, आपको धीरे से नीचे ले आए, नीचे लगाए, सीधा कीजिए, बहुत बढ़िया, और श्वास खाली करते हुए गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें, अधिक से अधिक सिर्फ नेक को पीछे की ओर मोड़ें, श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे से सीधा कीजिए। और चौथी क्रिया में गर्दन को आप सामने पहले देख लीजिए कैसे घुमाना है, फिर आप लोग कीजिएगा। सीता जी, एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक, सभी लोग घुमाइए, पहले आप स्टेज पर देख लीजिए, क्लॉक एंटी क्लॉक, इस तरह से गर्दन को एक राउंड क्लॉक करना है और एक राउंड एंटी क्लॉक। लेफ्ट हाथ राइट शोल्डर के ऊपर, श्वास को रोक के रखिए, 1, 2, 3, 4, 5,
श्वास छोड़ते हुए धीरे से सीधे हो जाएं, आराम से दोनों हाथ सामने की ओर लेके आइए और अंत में श्वास भरते हुए टुवर्ड द लेफ्ट साइड टर्न, राइट हाथ लेफ्ट शोल्डर पर, वन टू थ्री फोर फाइव, श्वास भरते हुए धीरे से सीधे हो जाएं, दोनों हाथ सामने की ओर, धीरे से हाथों को श्वास खाली करते हुए नीचे ले आए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अब तीसरी क्रिया के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। तीसरी क्रिया में दोनों कोहनी को दबा दीजिए, देखा आपने, एक बार देख लीजिए, श्वास खाली करते हुए पीठ को पीछे की ओर मोड़ दें, वो गर्दन को ढीला छोड़ दें, वन टू थ्री फोर फाइव, श्वास भरते हुए धीरे से सीधे हो जाएं, एक बार और करेंगे आप लोग, चलो फिर से, एक बार फिर से श्वास भरते हुए अपने पीठ को पीछे की ओर मोड़ दें, सॉरी श्वास खाली करते हुए पीछे की ओर मोड़ दें और गर्दन को ढीला छोड़ दें, वन टू थ्री फोर फाइव, श्वास भरते हुए धीरे से इनहेल करते हुए सीधे हो जाएं, हाथ नीचे आराम की स्थिति की ओर देखें, नॉर्मल ब्रीदिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं और श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे ले आएं, आराम की स्थिति, पैरों को आपस में मिला लें। सबसे पहले श्वास को खाली करें, खूब गहरी लंबी श्वास भरें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इनहेल करते हुए गर्दन को धीरे से सीधा कीजिए। अब जो चौथी क्रिया है उसको आप पहले देख लीजिए, कंप्लीट नेक को रोटेट करना है, वन क्लॉक 180 क्लॉक घड़ी की सुई की तरफ, ले देख लीजिए, बिना किसी जर्क के नेक को रोटेट करना है, वन क्लॉक, नेत्र बंद रहेंगे और वन एंटी क्लॉक, देखा आप लोगों ने, चलो सभी लोग आंखें बंद कीजिए और नेत्र बंद करते हुए वन क्लॉक वन एंटी क्लॉक कंप्लीट रोटेट करें, लेकिन स्लोली, आंखें बंद बेटा, आंखें बंद, आंखें बंद, श्वास भरते हुए टू द राइट साइड टर्न, आप देख लीजिए और दूसरा हाथ शोल्डर के बढ़ जाएगा, दूसरा हाथ शोल्डर के ऊपर, पहले देख लीजिए बच्चे लोग, पहले देख लें, श्वास खाली करते हुए सीधे, समझे, चलिए स्टार्ट, टू द राइट साइड टर्न, इनहेल करते हुए श्वास लेते हुए लेफ्ट हाथ राइट शोल्डर के ऊपर, बेटा राइट साइड टर्न, राइट साइड, लेफ्ट हाथ शोल्डर के ऊपर, वन टू थ्री फोर फाइव, श्वास भरते हुए सीधे हो जाए, खाली करते हुए सीधे हो जाए, सॉरी, और श्वास भरते हुए टुवर्ड द लेफ्ट साइड टर्न, राइट हैंड राइट हाथ लेफ्ट शोल्डर के ऊपर, वन टू थ्री फोर फाइव, श्वास खाली करते हुए सीधे हो जाए, एक बार फिर से, वन टू थ्री फोर फाइव, ब्रीदिंग करते हुए सीधे हो जाए, बैठ जाए, भुजासन में बैठे रहे, और उसको कैसे पकड़े और ब्रीथ आउट करते हुए फ्लोरेट को घुटने से लगा दे, ब्रीथ आउट करते हुए वन टू थ्री फोर फाइव, फिर से छोड़ दे, अगेन रिपीट, दोनों पैर का घुटना पेट में लगाए, ब्रीथ आउट करते हुए फ्लोरेट को घुटने से लगाए, वन टू थ्री फोर
फ्लाई, उसको छोड़ दें, रिलैक्सर और शवासन, चलो लेटे रहे, हाथ को ऐसे छोड़ा कर दें, क्लोज योर आईज, पैर को लंबा कीजिए, जहां जगह मिलती है वैसे लेटे रहे, इसको हेल्प कीजिए। Keep silence. Keep calm. Don't talk. और म्यूजिक को सुनिए, म्यूजिक को थोड़ा ठीक सुनिए सभी लोग। Keep calm. Relaxation position. Reach. बहुत बढ़िया। सवास पूरा ऋषभ अगेन पूरा ऋषभ रिलैक्स आराम की स्थिति सभी लोग क्लोज योर आईज नेत्र बंद शांति से बैठे रहे कोई भी बात नहीं करेगा और कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथ प्रोसेस लाइट म्यूजिक शांति शांति